अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अतारहमान जुनू। जो जैसे कि आपको पता है कि ईद में दो दिन बाकी हैं, तो एक तो लॉकडाउन हुआ है जिसकी वजह से दिहाड़ीदार जो मजदूर हैं वो बहुत परेशान हैं और पता नहीं उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो ईद की खुशी कैसे वो लोग मनाएंगे। हालांकि जब हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत में देखते हैं कोरोना ने जो तबाही मचा दी है, तब हम देखते हैं और सोचते हैं कि हुकूमत ने सही फैसला किया है। लेकिन रियासत मदीना और हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि गरीब और डेली बेसिस पे काम करने वाले मजदूरों के लिए क्या हिकमत अमली गवर्नमेंट ने बनाई है। हालांकि कोई भी गवर्नमेंट ने हिकमत अमली नहीं बनाई है और इस वक्त जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, तो वो ईद की खुशी कैसे मनाएगा। तो मेरे जो भी दोस्त हैं, भाई हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको ये गुजारिश करूंगा कि अपने पड़ोस में जो गरीब लोग हैं अपनी ईद की खुशी में उनको शामिल करें। हालांकि अल्लाह पाक आप लोगों को उनका अजर देगा और इस तरह आप जो है वो ईद अपनी अच्छी तरह से मना सकेंगे। और तमाम दोस्तों को और भाइयों को ईद मुबारक को, और अपना ख्याल रखें और कोरोना वायरस से बचें और अपनी खुशी में गरीब अफराद को शामिल करें। शुक्रिया।